केशव जी, आप जो कर रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता आप सही कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आपको आपको एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। शिमोना सही कह रही है सर, भावनाओं में बहकर आप ये निर्णय ले रहे हैं। बिल्कुल सर, और हम तो आपके शुभचिंतक हैं, आपको सिर्फ इसके परिणाम से वाकिफ करा रहे हैं। आप जो कर रहे हैं ना, उससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। बस प्रणय, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है और मेरा डिसीजन किसी भी हालत में बदलने वाला नहीं है। मुझे किसी से डर नहीं, आने दो उसको, फिर देखते हैं। अमन, बोलो कि कोई अच्छी खबर लाए हो। अच्छी खबर ही लाया हूं, आप जो सोच रहे थे वही सही है। ये देखिए, शिमोना जी, वो कागजात देना। जी। पेन। केशवनाथ जी, आपका काम हो गया, अब आप बेफिक्र हो जाइए। मुझे नहीं लगता ये इतना आसान है, ये बात पता लगते ही तूफान आने वाला है। तो फिर आने दो तूफान, हम तैयार हैं। तुम्हें चेतावनी दी गई थी मिस्टर केशव, और चेतावनी सिर्फ एक बार दी जाती है, अगली बार तो सिर्फ गोली। साइक्लोपीडिया, यही बुक है। छेद है, किसी नुकीली चीज से वार किया गया है और शायद उसी वजह से इसकी मौत हो गई। लेकिन सर, हमें तो ऐसी कोई चीज मिली नहीं यहाँ से। हो सकता है खूनी अपने साथ ले गया। सर, कोई मोबाइल, कोई आईडी कार्ड नहीं है। सर एक मिनट। ये चिट्ठी इसकी जेब से मिली है। सेंट्रल लाइब्रेरी तीसरा माला शेल्फ नंबर 2। ये लड़की रात के 1:30 बजे वर्ल्ड एटलस बुक लेने के लिए आई थी यहाँ पे, क्यों? हाँ सर, और सर वो किताब यहाँ से गायब भी है। ओह,
बड़ी अजीब बात है, रात के 1:30 बजे ये लड़की यहाँ वर्ल्ड एटलस बुक लेने आती है और उसी की मौत हो जाती है, और वो बुक भी यहाँ से गायब है। इसका मतलब है कोई और भी था जो बुक लेने के लिए आया था। उस किताब में ऐसा क्या हो सकता है? सर वो तो एक सिंपल मैप्स की बुक है। बुक भले ही सिंपल हो लेकिन कोई ना कोई बात तो जरूर है सर। लगता है उस बुक के साथ छेड़छाड़ की गई होगी। सचिन बाहर जाके पता करो किसी ने इन लोगों को अंदर बाहर आते जाते दिखा है क्या। ये वर्ल्ड एटलस बुक आखिरी बार कौन लेके गया था? सर एक मिनट। सो मिस्टर अमन। अमन अमन बोलो कि कोई अच्छी खबर लाए हो। ये अमन यहाँ का मेंबर होगा ना? जी सर। जरा उसका एड्रेस देना। ये पीछे का गेट तो हमेशा बंद रहता है। अगर वो लड़की यहाँ से आई है इस तरफ से, वो जो औरत कैंडल बेच रही है उसे पता होगा। चलो पूछते हैं। Excuse me. 10 का 1 कैंडल है सर, कितने कैंडल्स दूं? देखिए हम लोग कैंडल लेने नहीं आए, आपसे कुछ पूछना था। आप यहाँ पर कब से हैं? जी मैं शाम से लेके सुबह तक यहाँ बैठती हूँ, कैंडल बेचती हूँ। यहाँ पास में चर्च है, यहाँ देर रात तक लोग कैंडल जलाने आते हैं। क्यों, क्या हुआ मैम? देखिए ये सामने जो लाइब्रेरी है ना, वहाँ पे एक खून हो गया। मुझे लगा ही था उस लाइब्रेरी में कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अच्छा आपको ऐसा क्यों लगा कि लाइब्रेरी में कुछ गड़बड़ है? सर वो कुछ देर पहले। राजू गाड़ी निकाल जल्दी। मैडम मैडम 10 रुपए का 1 कैंडल है, प्लीज ले लीजिए मैम। शिमोना जी वो कागजात देना। जी मुझे नहीं चाहिए मैम। कहा ना नहीं चाहिए मैम। मैम प्लीज ड्राइवर चली मार के जल्दी। क्या 2 बजे रात को वो सिटी मार्केट जाना चाहती थी? आपने ठीक से सुना था? जी हाँ मैंने बराबर सुना था। आपने उसका चेहरा तो दिखा होगा ना? जी हाँ मुझे याद है। मिस्टर अमन का यही घर है? जी हाँ। और ये क्या आप यही अमन जी? हाँ सब इन्हें मैंने हाल में कहीं देखा है। हाँ सर चेहरा जाना पहचाना लग रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा है कहाँ देखा है सर। जरूर देखा होगा, अमन सर बहुत बड़े वकील हैं, आपने टीवी पर किसी इंटरव्यू में देखा होगा उन्हें। अच्छा 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 तो आपके साहब बड़े वकील हैं? हाँ। कहाँ गए? ऑफिस? नहीं आज सुबह वो अपना सामान लेकर के शहर से बाहर चले गए। इस अमन जी ने आखिरी बार लाइब्रेरी से वर्ल्ड एटलस की किताब ली और लाइब्रेरी में वापस कर दी, इसके बाद से गायब है। अमन जी का कमरा कहाँ है? सर अलग अलग देशों के कटे हुए नक्शे मिले। सर ये सारे कटे हुए नक्शे तो। सर वो तो एक सिंपल मैप्स की बुक है। वर्ल्ड एटलस बुक है? अमन जी ने इसे कैची से इस तरह से काटा क्यों होगा? उस वर्ल्ड एटलस बुक को हथियार बनाने के लिए। उस बुक में से सारे पन्ने काटे, उसके अंदर कोई नुकीली चीज रखी जो किताब खुलते ही पिस्टन के जरिए तेजी से बाहर निकली और उस लड़की का खून हो गया। सर सर अमन का फोन बंद आ रहा है। वो तो होना ही था। सर ये देखिए सर कटे हुए म्यूजिक नोट्स। म्यूजिक नोट्स? सर उसने म्यूजिक नोट फाड़ के फेंका क्यों होगा? लेकिन अमन सर को तो संगीत का शौक ही नहीं है। ये देखिए ये वायर और ये स्प्रिंग। मिस्टर अमन का लाइब्रेरी से वर्ल्ड एटलस बुक का लाना
उसके पन्नों के साथ छेड़छाड़ करना और वापस बुक लाइब्रेरी में रख देना, उसके बाद एक लड़की का लाइब्रेरी में से उसी बुक को लेना और उस बुक से उसका खून हो जाना और मिस्टर अमन का गायब हो जाना। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, साजिश है, साजिश, सोची समझी साजिश। रात के 1:30 बजे एक अनजान औरत सेंट्रल लाइब्रेरी में घुसती है और वहां से एक ऐसी किताब उठाती है जिसके अंदर हथियार छुपा के रखा गया था और शायद कोई संदेशा भी। और उसी हथियार से उस अनजान औरत का खून हो जाता है, फिर कोई वो किताब चुरा लेता है, वो भी एक अनजान औरत। सर, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों औरतों को वर्ल्ड एटलस की जरूरत होगी और बुक एक ही थी, इसलिए दोनों में झगड़ा हो गया। दूसरी वाली औरत ने पहली वाली को मार दिया और बुक ले ली। सर, रात के 1:30 बजे एटलस को लेकर दोनों औरतों के बीच में झगड़ा हुआ और एक ने दूसरे को मार दिया, केस खत्म, है ना? वाह। सर, अजीब बात यह है कि लाइब्रेरी से किताब चुराने के बाद वो औरत अपने ड्राइवर से कहती है कि वो उसे सिटी मार्केट लेकर जाए। सर, इतनी रात में सिटी मार्केट में ना तो कोई दुकान खुली होगी, ना ही कोई कॉफी शॉप। वही तो रजत, वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो औरत सिटी मार्केट के आसपास ही कहीं रहती हो। नहीं सूरज, अगर ऐसा होता तो वो अपने ड्राइवर से कहती कि हम घर ले चलो, सिटी मार्केट ही क्यों, सिटी मार्केट ही क्यों। उस औरत के बारे में क्या पता चला जिसका लाइब्रेरी में खून हुआ? सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। सर, उसके लापता होने की भी किसी ने कंप्लेन दर्ज नहीं करवाई, हम लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। सर, सर ये स्केच बन गया। सर, यही वो अनजान औरत है जो बुक लेकर भागी थी। सर, इस औरत को मैंने किसी न्यूज में देखा था। सर, न्यूज में? न्यूज में? अब याद आ गया। उद्योगपति केशवनाथ जी के फार्म हाउस में जो आग लगी थी उसकी खबरें सारे अखबारों में छपी थी, उसी में मैंने इन दोनों का फोटो देखा है। सर, ये हादसा तो 2 हफ्ते पहले ही हुआ था। पूर्वी। सर, ये अखबार में जिस औरत का फोटो है उसकी शक्ल और ये स्केच वाली औरत की शक्ल कितनी मिलती जुलती है। सर, लेकिन ये तो शिमोना है। मैम, आपने पक्का इसी औरत को देखा था? जी सर, पक्का मैंने इसी को देखा था। सर, अगर शिमोना जिंदा है तो अमन ने पुलिस में झूठी रिपोर्ट क्यों लिखवाई? सर, और शिमोना ने लाइब्रेरी में उस लड़की की हत्या क्यों की? कोई ना कोई राज जरूर था केशवनाथ जी के फार्म हाउस में जो उस आग में जलकर खाक हो गया। सारे चक्कर के पीछे ये अमन ही है, अमन। हाँ सर, इसलिए मिस्टर अमन ने शिमोना जी के लिए वो म्यूजिक नोट्स में वो संदेशा छोड़ा होगा, क्योंकि दोनों खुले में तो आमने सामने आ नहीं सकते थे। अमन और शिमोना, क्या क्या कनेक्शन हो सकता है इन दोनों के बीच में? और फिर ये शिमोना इतनी रात गए सिटी मार्केट किस लिए गई थी? सर, अमन के घर से हमें कुछ फटे हुए कागज मिले जिन पर कुछ म्यूजिकल नोट्स लिखे हुए। सर, इस वर्ल्ड एटलस का म्यूजिकल नोट से क्या कनेक्शन हो सकता है? उस वर्ल्ड एटलस में कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से शिमोना सीधे इस मार्केट में आ गई। सर, रात के समय लाइब्रेरी से सिटी मार्केट पहुंचने में लगभग 10-15 मिनट लगते हैं। उस कैंडल बेचने वाली औरत ने हमसे कहा था कि उसने शिमोना को 1:45 बजे देखा होगा, तो वो इस मार्केट में 2 बजे तक पहुंच गई होगी। हाँ, लेकिन उस समय तो मार्केट बिल्कुल सुनसान रहा। मुझे नहीं लगता कि किसी ने शिमोना को या उसकी गाड़ी को देखा होगा। फिर भी ट्राई करते हैं, हो सकता है किसी ने कुछ देखा हो। तुम इस तरफ पूछो, मैं उस तरफ के दुकानदारों से पूछता हूँ। सर, आखिर आप क्या ढूंढ रहे हैं? हम कह रहे हैं ना कि अमन सर ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। गैर कानूनी काम नहीं किया तो फिर अचानक क्यों गायब हो गए? मुझे नहीं पता। कोई भी वकील बिना किसी को बताए
अपने सारे कोर्ट केसेस छोड़ के वेकेशन पे तो जाएगा नहीं, और अगर जाएगा तो कम से कम अपनी पर्सनल सेक्रेटरी यानी आपको तो बता के जाएगा। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। और अगर नहीं बताता है तो इसका मतलब है कि वो कोई गलत काम कर रहा है, और वो नहीं चाहता है कि उसके बारे में किसी को पता चले। नहीं, अमन सर कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते, और वाकई में हमें नहीं पता है कि वो गए कहाँ हैं। इतना जरूर पता है कि वो हमें कॉन्टैक्ट जरूर करेंगे, वो भी सही समय पर। अब आप ही बताइए साहब, इतनी छोटी सी चीज चुराने के लिए मेरी दुकान का ताला तक तोड़ डाला। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि वो चोर था या फिर कोई पागल था। और कुछ तो चोरी नहीं हुआ दुकान से? नहीं साहब, और कुछ तो चोरी नहीं हुआ। चलो ठीक है, आइए मेरे साथ। उर्वी, excuse me, हम लोग CID से। सर, क्या हुआ, क्या यहाँ पे? सर, वो कल रात को मेरे म्यूजिक स्टोर में ताला तोड़कर एक चोर घुसाया था, और सर वो केवल एक म्यूजिक बॉक्स के अलावा और कुछ भी चुरा कर नहीं ले गया। एक ही म्यूजिक बॉक्स? उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं चुराया? जी मैडम, वो चोर देर रात को आया होगा जब पूरा मार्केट बंद हो जाता है, चारों ओर सुनसान हो जाता है, तभी तो किसी ने कोई आवाज भी नहीं सुनी। हो सकता है शिमोना ने ही वो म्यूजिक बॉक्स चुराया। अच्छा, ये म्यूजिक बॉक्स आपके पास था कब से? सर, कल सुबह ही एक सेल्समैन देकर गया था। कल सुबह? जी मैम, उस सेल्समैन ने बतौर सैंपल वो म्यूजिक बॉक्स मेरे पास रखा था, और कहा था कि एक म्यूजिक कंपनी ने एक नया आइटम लॉन्च किया है, वो म्यूजिक बॉक्स में कस्टमर को दिखाकर मैं और 20 के ऑर्डर भी ले लूंगा। और उसने कहा कि वो 2 दिन के बाद आएगा ऑर्डर लेने के लिए, तभी वो सैंपल वाला म्यूजिक बॉक्स लेकर जाएगा। सर, उसने वो सैंपल पीस बेचने के लिए मना किया था। अब आप ही बताइए मैं उसको क्या जवाब दूंगा। ये सेल्समैन पहले भी आया था आपकी दुकान पर? जी नहीं सर, वो सेल्समैन हमारे लिए नया था, पहले कभी नहीं देखा। यही था? हाँ सर, यही था वो आदमी। थैंक यू। मुझे लगता है अमन यहाँ सेल्समैन बनकर आया, और उसने इस दुकानदार को वो म्यूजिक बॉक्स बतौर सैंपल दिया ताकि ये दुकानदार उसे बेच ना पाए और शिमोना आकर उसे चुरा ले। सर, जरूर उस किताब में कोई कोड या मैसेज होगा जिसमें लिखा होगा कि शिमोना को म्यूजिक बॉक्स इस मार्केट से चुराना है। लेकिन सेंट्रल लाइब्रेरी से सिटी मार्केट, सिटी मार्केट से म्यूजिक बॉक्स, ये कोड्स का चक्कर कुछ समझ में नहीं आया। हाँ सचिन, क्या ठीक है? क्या हुआ सर? कल रात इस शहर के 2 और म्यूजिक स्टोर से ऐसे ही म्यूजिक बॉक्सेस चुराए गए। अमन जी का और शहर के जाने माने स्टील बैरन मिस्टर केशव नाथ, इनके बीच क्या रिश्ता था? सर, मिस्टर केशव नाथ अमन सर के क्लाइंट थे, और वो अक्सर हमारे ऑफिस में आया करते थे। अमन सर मिस्टर केशव नाथ का लीगल काम संभाल रहे थे जो गुप्त रखा गया था। जी सर, और इसी सिलसिले में एक दिन उनकी बेटी मीनार भी हमारे ऑफिस में आई थी सर। अमन! मीनार, तुम? मैम, हम लोग यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, प्लीज आप बाहर जाइए। तुम चुप करो, और निकलो यहाँ से। और तुम अमन, अगर मेरे पापा को बहकाना बंद नहीं किया ना, तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। मैम, ये आप क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या आप? मिस्टर अमर केशवनाथ जी का ऐसा कौन सा गुप्त काम संभाल रहे थे जिसकी वजह से मिसेस मीनार को उन्हें जान से मारने की धमकी देनी पड़ी? सर, हमें वाकई में कुछ नहीं पता, क्योंकि अमन सर मिस्टर केशवनाथ का काम खुद संभालते थे। हाँ सर, और इस केस के बारे में उन्होंने मुझे भी कुछ नहीं बताया सर। सर। हाँ बेटी। सर, केशवनाथ जी के कोई भी लीगल पेपर्स इस ऑफिस में नहीं है, मगर सर ये मिसेस मीनार को अमन पे इतना गुस्सा क्यों आया? वो सर, ये अमन फार्म हाउस में लगी आग के सिर्फ एक गवाह थे, या वो जानते थे कि आग लगने से पहले वहां क्या हुआ था? ये तो केशवनाथ जी के फार्म हाउस पे जाके ही पता चलेगा। जरा मिसेस मीनार को भी वहां बुलवा। आप लोग इस पूछताछ से हमें कब बख्शेंगे? 2 हफ्ते पहले हुए इस हादसे को आप लोग भूल क्यों नहीं जाते? माना कि फार्म हाउस में आग लगी थी, बट इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। रिलैक्स मीनार, रिलैक्स। सीआईडी वाले आपके पापा का फार्म हाउस का तलाशी लेना चाहते हो तो लेने दो, उन्हें उनका काम करने दो। थैंक यू मिस्टर भास्कर, कम से कम
आप हमारे काम को समझते हैं। देखिए मिसेज मीनार, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इस फार्म हाउस में जो आग लगी और जिसमें आपके पिताजी और उनके दो एसोसिएट जल के मर गए, आपको ये मालूम होगा कि उसकी रिपोर्ट मिस्टर अमन ने लिखवाई थी। तो हुआ यह है कि मिस्टर अमन अभी लापता हो गए, और सिर्फ इतना ही नहीं, सेंट्रल लाइब्रेरी में हुए एक गुमनाम लड़की के कत्ल में भी उसका हाथ है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि एक लाइब्रेरी में हुए कत्ल का इस फार्म हाउस के जलने से क्या मतलब है। यहाँ आग कैसे लगी, कब लगी, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है और तहकीकात में ही पता चला है कि अमन को आपने बंदूक दिखा के धमकी दी थी। क्यों? क्योंकि अमन एक नंबर का धोखेबाज है। उसने मेरे पापा की आंखों में धूल झोंक कर करोड़ों रुपयों का कबंध किया है। और इससे आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने अमन को कुछ किया है? ठीक है, फिलहाल अभी हम आपकी बात पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन सर ये बाहर पेड़ में धसी हुई मिली बंदूक की गोली। इसका मतलब इस फार्म हाउस में गोलियां भी चली। ओह माय गॉड, ये गोली चलने वाली बात अमन ने पुलिस रिपोर्ट में क्यों नहीं लिखवाई? ये वीणा का है, ये संतूर का है और ये सितार का है। ये तीनों एक ही राग पर है, लेकिन इनके वाद्य यंत्र अलग अलग हैं। मैं आपको इनके राग सुनाता हूं। ये वीणा था। अब आप संतूर सुनिए। ये सितार का है। कहीं इन नोट्स में कुछ छुपा हुआ संदेश तो नहीं है, कोई हिडन मैसेज? नहीं नहीं, ये तो शुद्ध संगीत है। अब आपके वक्त और आपकी मदद के लिए शुक्रिया। नमस्कार। ये अमन तो एक वकील है ना, तो भला एक वकील शिमोना को शास्त्रीय संगीत के जरिए अपना मैसेज क्यों भेजेगा? सर, और शिमोना ने वही म्यूजिक बॉक्सेस चुराए हैं जिसपे ये एक ही राग तीन अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे बजाए गए हैं। सर, हो सकता है कि इन तीन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से बजाया गया राग किसी व्यक्ति या किसी जगह के बारे में इशारा कर रहा हो। अब बस ये पता करना है कि संगीत के सुर किस जगह या फिर किस इंसान से जुड़े हुए हैं। मिसेस मीनार, अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि फार्म हाउस में आग लगना कोई हादसा नहीं था। यहाँ पे गोलियां चली थी, गोलियां। सर, हाँ पे? सर, पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त यहाँ पे जो जो थे वो सब आग में जलकर राख हो गए थे, और उनकी बाकी बची जो हड्डियां हैं वो अभी भी उन्हीं के लैब में है। तो एक काम करो, उन हड्डियों को अपने फोरेंसिक लैब में भिजवा दो, डॉक्टर सारुंके के पास। यस सर। व्हाट नॉनसेंस, मुझे अपने पापा का अंतिम संस्कार करना है। देखिए मैडम, पहले हमें ये पता लगाना कि एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या था, फिर आपके पिता की हड्डियों की शिनाख्त भी अभी बाकी है, तब तक आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। सर, सर ये देखिए क्या मिला, साइड से थोड़ा जलाऊंगा। डीएनए प्रिंट, हड्डियां तो बुरी तरह जल गई हैं, इनके चेहरे अच्छे से बन पाएंगे? हाँ अभिजीत, इस फेस कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर के जरिए अब मौका है वारदात पर पाई गई खोपड़ी का फेस कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश तो करो। इसमें कोई भी कृष्णा जी या शिमोना जैसा नहीं दिखता, लेकिन ये तो प्रणय है। यानी कि प्रणय वाकई में उस रात जल के मर गया था। लाइब्रेरी, प्रणय की मौत गोली लगने की वजह से हुई। और ये दोनों कौन है? मेरे जरा इन लोगों को बुला के ला। आइए।
जरा इन दो चेहरों को देखिए, इनको पहचानते हैं आप लोग? कभी ये देखा है? इनमें से हम किसी को नहीं जानते। हमें क्या पता कौन है ये लोग? सर आपका शक सही निकला। घटनास्थल से लाई गई सारी हड्डियों का डीएनए टेस्ट मिल गया। किसी का भी डीएनए मिसेस मीनार के डीएनए से नहीं मिलता। यानी वाकई में केशव नानजी जिंदा है? पर मेरे पापा हैं कहाँ? उन्होंने अब तक फोन क्यों नहीं किया? हम लोग जल्दी पता लगा लेंगे। अभी आप लोग जा सकते हैं। अच्छा तारिका, वो फार्म हाउस पे जो डीएनए की रिपोर्ट मिली थी उसका क्या हुआ? ये डीएनए प्रिंट एक 25 से 30 साल की औरत का है, जिसका केशव नाथ जी के साथ जेनेटिक लिंक है। और एक बात सर, ये औरत को एक बहुत ही असामान्य बीमारी है, एक्वाजेनिक प्रूराइटिस। ये बीमारी है क्या? यह एक बहुत ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके रोगी को पानी से एलर्जी होती है। जरा सा भी पानी अगर शरीर में कहीं भी लग जाए तो बहुत जबरदस्त एलर्जी होती है, खुजली होती है। बारिश का पानी, पसीना, यहाँ तक के हवा में अगर जरा सी नमी भी बढ़ जाए तो रिएक्शन होता है। और इस इंसान को इतनी खुजली होती है कि कई बार तो इसकी मौत हो जाती है खुजली की वजह से। तो बहुत भयानक बीमारी है। ऐसे पेशेंट जिंदा कैसे रहते हैं? एंटी एलर्जिक दवा खा करके, ताकि इससे लड़ने की क्षमता बढ़ा सके। ऐसे रोगी को हॉस्पिटल में अल्ट्रावायलेट बी पॉजिटिव फोटोथेरेपी दी जाती है। ये पेशेंट्स पानी पी सकते हैं? पी सकता है, लेकिन सिर्फ मिनरल वाटर। अगर जरा सा भी क्लोरीन का पानी पिया तो पूरे शरीर में बुरी तरह से रैशेज हो जाते हैं। सिर्फ मिनरल वाटर? पानी के? अच्छा ओके ठीक है ओके। क्या हुआ? लाइब्रेरी में जिस अनजान लड़की की लाश मिली थी उसका नाम बिंदु है। वो एक गुनहगार थी और जेल में सजा भी काट चुकी थी। सीआईडी मुंबई टीम से आपसे सुबह फोन पे बात हुई थी। ओह यस सर, वेटिंग ना। जी नहीं, इट्स ओके। आपको बिंदु के बारे में जानकारी चाहिए ना? जी हाँ। क्या बता सकते हैं आप बिंदु के बारे में? ये तो आपको किमी ही बता सकती है। किमी? कौन किमी? किमी और बिंदु दोनों एक ही सेल में थी और दोनों एक ही दिन रिहा हो गए। किमी देखो, हम तुम्हें डराने या धमकाने नहीं आए हैं। हम बस ये जानने आए हैं कि तुम बिंदु के बारे में क्या जानती हो। वो बिंदु? बिंदु क्या? बिंदु ने मेरे को पैसे का लालच दिया था और बोला था किसी काम में उसका साथ देने को। कैसा काम? वो तो सर उसने नहीं बताया। किसने सौंपा था काम? सब ये भी नहीं बताया उसने। बोला था टॉप सीक्रेट है। और साहब मैंने पूछा भी नहीं, अपने को तो सिर्फ पैसे। पैसों से मतलब था सर, इसलिए नहीं पूछा। कहाँ गई थी तुम उसके साथ? सेंट्रल लाइब्रेरी मुंबई। सेंट्रल लाइब्रेरी? इसका मतलब बिंदु पहले भी गई थी लाइब्रेरी? हाँ सर। क्यों गए थे तुम दोनों वहाँ? सर बिंदु और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर गए थे उस लाइब्रेरी में। बिंदु को कुछ कंप्यूटर से जानकारी चाहिए थी और मैं बाहर निगरानी कर रही थी कि अगर कोई आसपास दिखाई दे तो तुरंत इत्तला कर दूं बिंदु को। पर वो जानकारी जो उसे चाहिए थी उसे मिली? नहीं सर। सर लाइब्रेरी के कंप्यूटर से ऐसी क्या जानकारी हासिल करना चाहती थी बिंदु? पता नहीं, लेकिन ये पक्का है कि फार्म हाउस पे किए गए खून का राज जरूर उस लाइब्रेरी में छुपा है। मुझे प्रणय को वहां जाने ही नहीं देना चाहिए था। केशवनाथ जी की प्रॉब्लम में उसको पढ़ने की क्या जरूरत थी? किस प्रॉब्लम की बात कर रही हैं? प्रणय और शिमोना केशवनाथ जी के बिजनेस एसोसिएट थे। केशवनाथ जी को अपनी बेटी मीनार पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए वो चाहते थे कि अपनी जायदाद को किसी ट्रस्ट में रख दे। प्रणय और शिमोना उन्हें मनाने की बहुत कोशिश कर रहे थे कि अपनी बेटी के साथ ऐसा ना करें। और मीनार को केशवनाथ जी के इस फैसले के बारे में मालूम था क्या? जी ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन फार्म हाउस में आग लगने के एक हफ्ते पहले प्रणय ने मुझसे कहा था कि
केशवनाथ जी ने अपनी जायदाद को ट्रस्ट में देने का फैसला बदल दिया है। और उसकी वजह? क्योंकि उन्हें कोई और वारिस मिल गया था। नया वारिस? हाँ, केशवनाथ जी को वसीयत बनाने से पहले उसके बारे में कुछ कंफर्म करना था। ये डीएनए प्रिंट एक 25 से 30 साल की औरत का है जिसका केशवनाथ जी के साथ जेनेटिक लिंक है। इसका मतलब वो डीएनए प्रिंट उस दूसरी लड़की का था जिसे केशवनाथ जी अपनी जायदाद का वारिस बनाना चाहते थे। क्या प्रणव जी ने उस नए वारिस का नाम बताया था आपको? यही पता करने के लिए तो वो फार्म हाउस गए थे उस दिन, लेकिन फिर वापस ही नहीं आए। मतलब ये सारा केस केशवनाथ जी की जायदाद से जुड़ा हुआ है जो अपनी बेटी को नहीं बल्कि किसी और रिश्तेदार को देना चाहता है। और वो डीएनए प्रिंट जो केशवनाथ जी के जले हुए फार्म हाउस से मिले वो उसी रिश्तेदार के होंगे। किसी के डीएनए प्रिंट मिलने से ये कैसे साबित होगा कि वो केशवनाथ जी के रिश्तेदार के हैं? सूरज, इंसान दो ही वजह से डीएनए टेस्ट करवाता है, या तो उसे रिश्ता साबित करना होता है या फिर बीमारी के बारे में, जेनेटिक बीमारी के बारे में पता करना होता है। लगता तो यही है कि केशवनाथ जी ने डीएनए टेस्ट के जरिए रिश्तेदारों की पहचान करने की कोशिश की है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो डीएनए प्रिंट किस रिश्तेदार का है? किमी बता रही थी कि बिंदु और वो जब जेल से छूटी तो दोनों सेंट्रल लाइब्रेरी में गई थी उस कंप्यूटर से कुछ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। सर, इसका मतलब वो 25-30 साल की लड़की जिसे डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक पानी की एलर्जी है, वो इसी लाइब्रेरी में काम करती है। एग्जैक्टली। मतलब सर, हमें ना सिर्फ केशवनाथ जी, अमन और शिमोना को खोजना है बल्कि लाइब्रेरी में काम करने वाले उस गुमनाम वारिस का भी पता लगाना है। ये केशवनाथ जी, अमन और शिमोना को ढूंढेंगे कैसे? रेडी, भले उन तीनों के मोबाइल फोन बंद हो, भले उनके बैंक अकाउंट में कोई लेन देन ना हो, लेकिन हर चीज के लिए पैसा तो लगता ही है। कोई ना कोई तो उन्हें पैसे भेजता ही होगा, बस उन्हें ढूंढ लेंगे। लेकिन कौन सर? केशवनाथ जी और शिमोना के जान पहचान वालों के मुताबिक वो दोनों मर चुके हैं। दया, यमन तो जिंदा है, और फिर अभिजीत ने तो कहा ही था ना कि समन की सेक्रेटरी विनीता काफी वफादार है। सर, उन तीन म्यूजिक बॉक्सेस का क्या राज है? वो अमन ने शिमोना के लिए तीन अलग अलग दुकानों में क्यों रखे थे? अमन को पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो तीनों म्यूजिक बॉक्सेस में शिमोना के लिए संदेश भेजता था। दया, लेकिन पता लगाना पड़ेगा इस केशवनाथ जी का म्यूजिक से क्या संबंध है। और एक काम, इस अमन की सेक्रेटरी विनीता पर नजर रखो, विनीता पर नजर रखो। दोस्त इस समय तक बाहर आ जाती है, आज कहाँ रहेगी? सर, ये पैदल ही आई, शायद ऑटो का वेट करें। अच्छा, देखो अलंकार जी कहाँ है। अरे भाई, वो संतूर का क्या हुआ? अलंकार जी। जी अलंकार जी, हम सीआईडी से हैं और आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। जी पूछिए। इस म्यूजिकल स्कूल को बनाने वाले केशवनाथ जी के फार्म हाउस में जिस दिन आग लगी उस दिन वो आपसे दो बार मिलने आए थे, क्या ये सच है? जी हाँ, ये बात सच है। शिमोना यहाँ तीन म्यूजिकल बॉक्सेस लेकर आई थी, कहाँ है वो बॉक्सेस?
अब उस लड़की का नाम शिमोना है या नहीं मुझे पता नहीं, मैंने तो कभी पहले उसे देखा तक भी नहीं। वो यहाँ बॉक्स लेकर आई थी या नहीं? एक लड़की आई तो थी। अब केशवनाथ जी और अमन के कहने के मुताबिक मैंने वो बॉक्सेस लेके चेक करके अपने पास रख ली। हमें वो बॉक्स चेक करना है। सबके सब गए होंगे किसी काम से। आप लोग यहाँ? जी हम लोग यहाँ क्योंकि हमारा तो काम ही है। गुनहगारों को पकड़ना। लेकिन मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैं सच में गुनहगार नहीं हूँ। कुछ नहीं किया है मैंने। गोली मत चलाना प्लीज, बंदूक पीछे रखो। वो डर लगता है मुझे बंदूक। और झूठ बोलने से डर नहीं लगता? मुझे माफ कर दो सर, मैंने झूठ कहा था कि मैं अमन सर के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं तो सिर्फ उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रही थी। अमन सर, मिस्टर केशवनाथ और शुमोना मैडम यही छुपे हुए थे। इसका मतलब ये तीनों इस षड्यंत्र में मिले हुए थे। तुम्हारे पास अमन और शिमोना का नंबर होगा? हाँ सर। फोन लगाओ, पूछो कहाँ है। अमन सर का फोन स्विच ऑफ है। शिमोना का नंबर ट्राई करो। उनका फोन भी बंद है। यस सर। क्या तो इस वजह से अमन, शिमोना और केशवनाथ को यहां से गायब किया गया है? सर हम लोग आ रहे हैं। क्यों सर? कुछ नहीं सचिन, केस खत्म करने का टाइम आ गया। नैना, उनको भी बुलाकर ले आओ। दोनों नई ट्रेनीज हैं, उनको अच्छा लगेगा। हाँ, लंच टाइम हो गया है, भूख तो लगी होगी। हाय, मेरा नाम नैना है। चलो साथ में लंच करते हैं। दीप्ति, लंच के लिए बुला रहे हैं। ठीक है पूजा। ठीक है, हम आते हैं। ओके। ये लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, एक्स्ट्रा स्टाफ की जरूरत नहीं थी, फिर भी ट्रस्ट वालों ने तुम दोनों को यहाँ पर जॉब दी, अच्छी बात है। लेकिन हम लोग तो यहाँ बस कुछ ही दिनों के लिए हैं ट्रेनिंग पर। वैसे लाइब्रेरी में इतने ही स्टाफ मेंबर्स हैं या और कोई भी है? नहीं तो हम ही सब हैं, काम मैनेज हो जाता है। अब थैंक्स, मैं बाहर का पानी नहीं पीती, मैं अपना पानी खुद कैरी करके चलती हूँ। क्यों, आपका पानी हमारे पानी से अलग है क्या? हाँ, ये पानी घर से लेके आती है, इसे बाहर के पानी से एलर्जी है। पानी से एलर्जी? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही? वो मजाक नहीं कर रहे, सच्ची बोल रही है। एक्चुअली क्या है, मैं अगर क्लोरीन का बाहर का पानी पीऊँ तो उससे मेरी मौत भी हो सकती है। इसके रोगी को पानी से एलर्जी होती है और इस इंसान को इतनी खुजली होती है कि कई बार तो इसकी मौत हो जाती है खुजली की वजह से। ये पेशेंट्स पानी पी सकते हैं? पी सकते हैं, लेकिन सिर्फ मिनरल वाटर। अगर जरा सा भी क्लोरीन का पानी पिया तो पूरे शरीर में बुरी तरह से रैशेज हो जाते हैं।
अलिशिया, आई एम सो सॉरी. नो नो, इट्स ओके. अरे मैं तो भूल ही गई. एवरीबडी एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई. सर, नैना वही लड़की है जिसे केशव नाथ जी अपना वारिस बनाना चाहते थे. क्या वसीयत उसके हाथ लग गई? नो, फिर तो वो नैना पर हमला करने की जरूर कोशिश करेगा. डोंट वरी सर, हम नैना पर नजर रखेंगे. यस सर. नैना बैठो. तुमने अभी तक वो लिस्ट नहीं बनाई. रजिस्टर में नए बुक्स के स्टॉक की एंट्री करनी थी, वो कब करोगी? सर वो मुझे कुछ नहीं सुनना है. आप सब घर जा सकते हो, लेकिन नैना तुम अपना काम खत्म करके ही घर जाओगे. ओके सर. साढ़े 11 बज गए. ये भी कोई तरीका है काम करवाने का? ये मैनेजर ना, मैनेजर नहीं, हिटलर है हिटलर. कल ना मैं इसकी लाइब्रेरी के ट्रस्टी से जरूर शिकायत करने वाली हूँ. और कौन है? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, कौन है? कौन है? कौन है वहां? कौन हो तुम? क्यों? आ, तुम? मैंने रात दिन इसलिए मेहनत नहीं की थी कि मेरे ससुर जी अपनी सारी जायदाद अपने किसी दूर के रिश्तेदार को खैरात में दे दे. मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना दामाद कहते हुए. और आप अपनी सगी बेटी को छोड़कर किसी दूर के रिश्तेदार को अपनी सारी जायदाद कर देते हो, वो क्या अच्छा था? शुरू से बता हुआ क्या? हाँ, मैंने वो दो गुंडे केशवनाथ जी को फार्म हाउस पर मारने के लिए भेजे थे, मगर वो दोनों उस आग में जलकर राख हो गए. फिर मुझे पता चला अमन मुझसे कुछ छुपा रहा है, इसलिए मैं उस पर नजर रखना शुरू कर दिया. फिर मुझे पता चला कि केशवनाथ जी और शिमोना उस आग में नहीं चले थे, दोनों बच गए थे. और सब उस व्हील को मुझसे छुपा रहे थे. और अमन को पता चल गया था तुम्हारे इरादों के बारे में, इसलिए उसने खुफिया तरीके से शिमोना को वो वसीयत कहाँ है ये बता दिया. और इसी चक्कर में वो बिंदु मारी गई, जिसे तुमने यहाँ सिर्फ इसलिए भेजा था कि वो ये पता लगाए कि वो रिश्तेदार है कौन जो यहाँ काम करती है ना. केशवनाथ जी के फार्म हाउस में आग किसने लगाई? वो आग मैंने लगाई थी सर, ताकि लोगों को लगे कि केशवनाथ जी और शिमोना और प्रणय उस आग में तीनों जलकर मर गए. अब तुम सारी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की गिनती करते रहना. अब मिस्टर अमन, आपने केशवनाथ जी की मदद की, अच्छा काम किया, मगर मदद करने का तरीका गैर कानूनी था. आपने खून किया है बिंदु का, और शिमोना जी आपने इसमें इनका साथ दिया, आप दोनों को भी गिरफ्तार किया जाता है. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.